नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं दस्तक और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर हमारे अपने सहयोगी आशीष खेतान मौजूद। आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात में दंगों की, जिसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आज SIT पूछताछ कर रही है। सुबह करीब पहले सेशन में 5.5 घंटे तक नरेंद्र भाई मोदी से SIT के अधिकारी AK मल्होत्रा ने सवाल जवाब किए और दोबारा उनको रात 9 बजे आने के लिए कहा। और इस वक्त फिर से रात 9 बजे नरेंद्र मोदी SIT के दफ्तर में गांधीनगर पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ का दूसरा दौर इस वक्त चल रहा है। वहां भी हमारे सहयोगी धीमंत पुरोहित मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस अगले 1 घंटे के दौरान। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे इस 1 घंटे में और हम सच का सामना कर रहे नरेंद्र मोदी का सच जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी आखिर क्या क्या बताते हैं और कैसे कैसे चीजों का राज खोलते हैं। विरोधियों के हरजाल को अब काटते रहने वाले गुजरात के CM नरेंद्र मोदी चंद सवालों के जाल में जैसे फंस गए हैं। सवाल गुजरात दंगों से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने लंबी पूछताछ में कुल 63 सवाल पूछे। 14 सवाल ऐसे थे जिनके चक्रव्यूह में मोदी फंस गए। अब चल रही है दूसरे दौर की पूछताछ। रात 9 बजे मोदी दूसरे दौर की पूछताछ के लिए SIT के मुख्यालय फिर पहुंचे हैं। क्या ऐसी ठोस शख्सियत भी हिल सकती है? क्या जोश के इस तेवर में भी थकान दिख सकती है? सियासी विरोधियों को करारा जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी भी क्या लाजवाब रह सकते हैं? क्या ऐसे कोई सवाल है जिसके जवाब में मोदी के होठ भी कई बार कांप जाते हैं? नरेंद्र मोदी भी लड़खड़ाए, मोदी की जुबान भी कई बार अटक अटक हिली। सवाल गुजरात दंगों से जुड़े हुए थे और जवाब दे रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर जिम्मेदारी थी उन दंगों को रोकने की। सवालों का सिलसिला लंबा चला, सवाल एक दूसरे से जुड़ते गए और नरेंद्र मोदी सवालों के उस चक्रव्यूह में फंस से गए। मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। सूत्रों की माने तो 5 दर्जन से ज्यादा सवाल हुए और मोदी 1 दर्जन से ज्यादा सवालों में लड़खड़ा गए। जिन सवालों के जाल में मोदी फंसे उनमें से चंद है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपने कौन से ठोस कदम उठाए? कलेक्टर ने आपसे कहा था कि गोधरा के मृतकों के शवों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने शवों को VHP के हाथों में सौंप दिया और उनका जुलूस निकाला गया। जब गुजरात चल रहा था तो आप कहाँ थे? दंगों पर काबू पाने के लिए आपने कितनी मीटिंग बुलाई? दंगों को रोकने के लिए आपने अफसरों को क्या निर्देश दिए थे? फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आपकी सरकार के एक मंत्री गोर्धन झड़पिया दंगों के आरोपियों से उस वक्त बातें कर रहे थे। क्या आपको इसका पता था? आपकी सरकार की मंत्री मायाबेन कोतनानी पर आरोप है कि वो दंगों में शामिल थी, क्या आप ये जानते थे? सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा लगा कि मोदी के जवाब और सब्र दोनों खत्म हो चुके थे। सूत्रों की माने तो सवालों के चक्रव्यूह से बचने के लिए मोदी ने एक छोटा सा ब्रेक मांग लिया। अभी पूछताछ संपूर्ण नहीं हुई है। मैंने कहा है दो तीन घंटों का विराम करें, आज ही पूरा कर लें। अहमदाबाद से धीमंत पुरोहित के साथ आशीष खेतान, दिल्ली आज तक।